हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे पॉसिबल 11 के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता वर्सेस बेंगलोर के मैच के बारे में। उनका टीम एनालिसिस करेंगे, टीम प्रीव्यू लेंगे सारा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहेंगी हमारी नई नई वीडियोज़ की। ऐसी वीडियोज़ हम क्योंकि रेगुलरली लाते रहते हैं। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टॉस होने के बाद अगर कोई चेंज होता है तो हम आपको वहीं पे बताएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो मुश्किल ही है दोनों टीम्स में कुछ चेंज हो, बट हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर वाले थोड़ी सी लाइनअप में चेंज कर दें, क्योंकि आपको पता है नीतीश राणा स्टार्टिंग के मैचों में फॉर्म में दिखे तो उसके बाद फॉर्म में नहीं आए। शुभमन गिल भी फॉर्म में इतना अच्छा नहीं है, राहुल त्रिपाठी थोड़े से रन मार लेते हैं, सुनील नारायण का आउट ऑफ फॉर्म है, ऑयन मॉर्गन आउट ऑफ फॉर्म है, आंड्रे रसल तो फिनिशर हैं। तो मे बी हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स चेंज कर दें एक दो, उस वो सब मैं आपको बता ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। दूसरा अगर हम देखें बेंगलोर की साइड तो काफ़ी स्टेबल टीम लग रही है, मुश्किल ही यहाँ पर कोई चेंज होंगे। विराट कोहली बस एक ही मैच में लय में दिखे, उसके बाद तो वो भी आउट ऑफ फॉर्म ही है। डेविड पाटिकल अच्छी फॉर्म में है, रजत पाटीदार भी अच्छे रन मार ही रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म भी बढ़िया चल रही है, ए बी डी विलियर्स भी अच्छी फॉर्म में है। तो आरसीबी के तो सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट अच्छे फॉर्म में है। बाकी अगर हम अपने गिव अवे की बात करें तो ये हमारा पॉसिबल 11 ऐप पे गिव अवे चल रहा है, आप यहाँ पे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। साइन अप करिए पॉसिबल 11 के ऐप को डाउनलोड करके, उसका लिंक मैं आपको गिवन डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो फ्री ज्वाइन करिए, क्या पता आप ये 500 रुपये जीत जाएँ, रैंक 1 पे आके अपनी टीम लगाइए। फ्री में सब कुछ फ्री है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पहले कोई डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, फ्री गिव अवे है पूरा। मैच प्रीव्यू की बात कर ले तो आरसीबी अपने लास्ट दो तीन मैचों में से दो मैचेस हार के आ रही है, बट और केकेआर का फॉर्म कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस सीज़न में। सीज़न बहुत बेकार परफॉर्म कर रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, सिर्फ 5-7 में से 2 मैच जीती है और 5 मैच हारी है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को ज़रूर मैं हो सकता है चेंज हो ही जाए कोलकाता नाइट राइडर्स में। बाकी नीतीश राणा उनके साथ टॉप रन स्कोरर हैं, वो भी उनका भी फॉर्म लास्ट तीन चार मैचों में अच्छा नहीं है। राहुल त्रिपाठी भी है, केकेआर के हेड कोच यही कह रहे हैं कि हो सकता है चेंज हो जाए बट नॉट श्योर, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बात करें आरसीबी की टीम की, आरसीबी की टीम तो काफ़ी स्टेबल लग रही है, 5 मैच जीते हैं इन्होंने, 2 हारे हैं 7 मैचों में, और 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पे बने हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल अपनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ए बी डी विलियर्स भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट टाइम कोलकाता जब बेंगलोर का मैच हुआ था तब ए बी डी विलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल ने ही पारी को संभाला था। ए बी डी विलियर्स ने 76 रन बनाए थे 34 बॉल्स में आके, जिसकी वजह से बेंगलोर वो मैच जीत गई थी। हर्षल पटेल बहुत अच्छा ही बॉलिंग कर रहे हैं इस सीज़न में, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। इकोनॉमी भी अच्छी है, काइली जेमिनसन भी अच्छी विकेट्स ले रहे हैं, माना थोड़ा एक्सपेंसिव रहते हैं बट विकेट्स भी लेते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो 15 मैचेस कोलकाता जीती है, 13 मैचेस आरसीबी जीती है। बाकी स्मॉल लीग की मस्ट पिक्स आपके लिए रहेंगे विराट कोहली, ए बी डी विलियर, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, डेविड पाटिकल, और कोलकाता के लिए नीतीश राणा, आंड्रे रसल, पैट कमिंस, सुनील नारायण, राहुल त्रिपाठी। बाकी आप हल्के फुल्के चेंजेस तो आप अपनी तरफ से करते रहिएगा अगर क्रेडिट का इशू आता है तो। ये मैच अहमदाबाद की पिच पे होएगा, वही स्लो पिच है थोड़ी सी, स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प करेगी, बाकी रन थोड़े से कम पड़ सकते हैं दिल्ली के पिच के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं आप हमारे गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में कैसे अपनी टीम लगा के कैश को अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टीम्स में जाना है, यहाँ पर सजेस्ट योर टीम, इस पर जाकर अपनी टीम बना लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ से ए बी डी विलियर्स ले रहा हूँ, बैटिंग में नीतीश राणा, विराट कोहली, डेविड पाटिकल, शुभमन गिल, आप यहाँ से राहुल त्रिपाठी भी ले सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी ले सकते हैं, आप पॉइंट मॉर्गन भी ले सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, बहुत अच्छी पिक रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। बट मैं अभी इन्हें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ी क्रेडिट इशू पड़ेगा इस मैच में। सो मेन फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, यहाँ से आप आंड्रे रसल लूँगा मैं बॉलिंग के लिए, पैट कमिंस अच्छी फॉर्म में है, शिवम मावी, मोहम्मद सिराज एंड
एक ऑलराउंडर और ले लें, डैनियल सैम्स ने लास्ट टाइम विकेट ली थी, डैनियल सैम्स जो वरुण चक्रवर्ती, ये मेरी टीम रहेगी फाइनल लास्ट इन दी एंड। फिर भी अगर कोई हल्के से भी चेंजेस हुए तो मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। कैप्टन मैं रखूँगा विराट कोहली को फिलहाल के लिए, एंड शुभ एंडरसन में अपना वाइस कैप्टन रखूँगा। टीम प्रीव्यू यहाँ से, अगर आपको चेंज करना है तो हल्के साहब नीतीश राणा को कैप्टन बना सकते हैं, एबी डिविलियर्स को कैप्टन बना सकते हैं, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना लीजिए, ये सब ग्रैंड लीग के लिए पिक्स रहेंगी। अगर हमें सेफ जाना है तो विराट कोहली को बना सकते हो या एंडरसन जैसे मैंने बनाया है, यहाँ से आपकी टीम लग जाएगी। सो होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।